दोस्तों, ये है माइक्रोमैक्स Q469 और आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग इसको फ्लैश कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको फ्लैश कर चुका हूं, लेकिन इसमें समस्या क्या थी मैं आप लोगों को बताऊंगा और कैसे इसको फ्लैश करना है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो ये मेरे पास आया था, इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और मैंने आई एम आई चेक किया तो आई एम आई इसकी करप्ट हो चुकी थी। और उसके बाद जब मैंने बेस बैंड चेक किया तो बेस बैंड इसका अननोन था। तो उसके बाद मैंने इसको फ्लैश करना स्टार्ट किया, मैंने ट्राई किया फ्लैश करने को, लेकिन ये फ्लैश हो नहीं रहा था और फ्लैश फेल हो रहा था। अभी आप लोग देख सकते हैं बेस बैंड इसका, बेस बैंड वर्जन इसका ओके है। और आई एम आई आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो भी ओके है। ये देखिए आई एम आई भी इसकी ओके है। और इसके फ्लैशिंग में दिक्कत आई, ये टूल से जब फ्लैश कर रहे थे तब ये इरर हो रहा था, इरर बता दे रहा, पूरा फ्लैश नहीं हो रहा था। और मैंने कई लोगों से संपर्क किया, पूछा, लेकिन किसी ने बताया नहीं इसका सोल्यूशन। तो मैंने सोचा चलो इसका सोल्यूशन डाल देते हैं, क्योंकि कई हो सकता है और भी लोग को प्रॉब्लम होती हो इसमें फ्लैश करने में। और इसको मैंने जब ये फेल हो रहा था उसके बाद मैंने इसको फ्लैश कर दिया मिरेकल बॉक्स से। मिरेकल बॉक्स फ्लैश करने के बाद ये मोबाइल पूरी तरह से डेड हो गया। और डेड होने के बाद फिर मैंने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने इसका सोल्यूशन कोई नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको सर्च किया थोड़ा इधर उधर, और उसके बाद मैंने इसके टूल का वर्जन चेंज किया कुछ, लेकिन फ्लैश नहीं हो रहा था। तो काफ़ी टाइम लगा इसका सोल्यूशन ढूंढने में, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने इसको कैसे किस तरह से इसको ठीक किया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो जिस टूल से मैंने इसको फ्लैश किया वो टूल आप लोगों को मैं दे दूँगा और फाइल भी दे दूँगा। ये है वो टूल, इसको मैंने पहले एक्सट्रैक्ट किया, आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद इसको करना है हमें इंस्टॉल, इंस्टॉल करना है। पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से क्या करना है। अभी फ़िलहाल इसमें इंस्टॉल है इसलिए बता रहा है ये, इसमें ये बता रहा है रिपेयर और रिमूव का ऑप्शन। और आप लोग नेक्स्ट करते जाएंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट बनेगा नहीं यहाँ पर, इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे नहीं बनता है। इसके लिए आपको बताऊंगा कहाँ से ये आपको मिलेगा। पहले इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, और इंस्टॉल होने के बाद जब इसको आप क्लोज करेंगे, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्यू फिल, ये आप देख सकते हैं क्यू फिल नाम का बन जाएगा। और अगर नहीं बनता है तो आपको सिंपली रिस्टार्ट कर देना है अपना सिस्टम। जब रिस्टार्ट आप कर देंगे तब ये अपने आप यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे और आप फ्लैश फाइल आपको करना है एक्सट्रैक्ट, फ्लैश फाइल आप डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और उसको रख लीजिए डेस्कटॉप पे। और अगर फ्लैशिंग में इरर ना आए इसके लिए आपको जो लास्ट वाला फोल्डर है जिसमें फाइल है उसको आप सॉर्ट कर दीजिए, जैसे मैंने किया है Q469 नाम से। इसको छोटे नाम से आप छोटे नाम से इसको कर दिए बिना स्पेस के। उसके बाद आपको फाइल सेलेक्ट करना है। फाइल सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्राउज पे। ब्राउज पे जाने के बाद आपको सिंपली वही फोल्डर सेलेक्ट कर देना है Q469 वाला, ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ जाना है लोड XML पे, आपको ये ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये पेज जीरो सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है ब्राउज वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको MMC Firehose 8916 MBN ये सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है। जब आप सेलेक्ट ये कर लेंगे तब ये आपकी पूरी फाइल इस पर कंप्लीट हो जाएगी, पूरी फाइल आपकी ऐड हो जाएगी और ये फ्लैशिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल आपको ऑफ़ कर लेना है, मोबाइल ऑफ़ कर लेना है। मोबाइल ऑफ़ करने के बाद आपको USB लगाना है, किस तरह से लगाना है वो आप देख लीजिए। ये हो गया, आपको दोनों वॉल्यूम के साथ में दबाना है, दोनों वॉल्यूम के साथ में दबाकर आपको लगाना है USB। जब आप USB लगाएंगे दोनों वॉल्यूम के साथ में दबाकर, जब पोर्ट वहां आपका शो करने लगे उसके बाद आपको रख देना है। ये देखिए सॉरी छोड़ रहा है, सीसी में थोड़ा प्रॉब्लम है इसके,
और जब आप यूएसबी लगाएंगे तब आपको यहाँ पे इस तरह से ये पोर्ट शो करने लगेगा, एच एस यूएसबी डायग्नोस्टिक 9008। और अगर ये नहीं शो करता है, अगर यहाँ पे सिलेक्ट के लिए बताता है, किसी किसी बार सिलेक्ट के लिए बताता है, तब आपको यहाँ पे जाना है सिलेक्ट पोर्ट पे और ये यही इसी पोर्ट पे रहने देना है और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद जब ये पोर्ट यहाँ पर शो करने लगे, अगर शो करने लगे डायरेक्ट आप फ्लैश कर सकते हैं और यहाँ पर आप कर देंगे डाउनलोड पर क्लिक। डाउनलोड पे जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे नीचे कोई एरर आता है, अगर फ्लैशिंग के समय यहाँ से कोई अगर एरर आता है, तो आप दोबारा से मोबाइल को डिसकनेक्ट करके दोबारा से वही वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम की दबाकर लगाएंगे और दोबारा से फ्लैश करेंगे। दो तीन बार चार बार अगर एरर आता है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपका चार्जिंग पिन अगर सही है और डाटा केबल आपकी अच्छी क्वालिटी की है तो ये फ्लैशिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। उसके बाद आपको इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा इसकी फ्लैशिंग में, आपको निकालना नहीं है और इसको बस ऐसे ही लगे रहने देना है। उसके बाद जब ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी तब अगर आप मोबाइल आपका डेड है वो भी ओके हो जाएगा, अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से डेड हुआ है। और अगर बेस बैंड इसका और IMEI की प्रॉब्लम है तो वो तो 100% ओके हो जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की वजह से ही ये समस्या आती है। जब बेस बैंड आपका ओके हो जाएगा उसके बाद IMEI इसकी अपने आप आ जाएगी, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंचे आपके पास। धन्यवाद।